हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो बात करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर के बारे में। 4.43 करेंट प्राइस है, 3.26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ASM स्टेज वन में है। मैं आपको इस शेयर को अवॉइड करने को क्यों बोलती हूँ, बिकॉज इसके फैट कोड मैं आपको इसके फंडामेंटल शो करती हूँ। 5% का सर्किट रिवाइज है सेबी की तरफ से, 10 लाख के अराउंड एंड मार्केट कैप है 281 करोड़। EPS नेगेटिव, CEPS नेगेटिव, PE नेगेटिव, PB 0.80, ROE नेगेटिव। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं सब नेगेटिव में है, तो दैट्स वाई आपको अवॉइड करना चाहिए इस शेयर को। बट जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है पहले से, उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। बाइंग का प्रेशर देखिए, 2,95,000 के अराउंड है, सेलिंग में 3,20,000 के अराउंड है। BSE में 2 न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए हैं, ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए जो भी इन्वेस्टर्स हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, किस लिए? रिजल्ट आने वाला है Q1 जून एंड का। डेट बता देती हूँ मैं आपको, बिकॉज रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी भी शेयर की मूवमेंट। तो 8 अगस्त को रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड्स, सो बेल बटन को प्रेस करके रखना, रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली। वीडियो के थ्रू आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी कि क्या नेट प्रॉफिट है, अब शेयर प्राइस किस साइड की मूवमेंट लेगा। सेकेंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट, उसे भी ओपन कर लेते हैं। इंटीमेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर होल्डिंग एनुअल जर्नल मीटिंग। सो एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है, इसी के टाइम को एक्सटेंड किया गया है। एंड किस दिन होगी एनुअल जर्नल मीटिंग, आपको डेट बता देती हूँ। सो डॉक्यूमेंट को ओपन होने दीजिए। इस शेयर के 2 न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट थे, दोनों के दोनों आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए अगर आप इस शेयर के इन्वेस्टर्स हैं। बट मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग, जो भी न्यू एंट्री लेना चाहते हैं इस शेयर में मत लीजिए, कहीं आप फंस ना जाएं। इसके अलावा बहुत ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, आपको एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। सो आप देख सकते हैं 7th एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है 30th सितंबर, या उससे पहले भी हो सकती है, ऑन एंड बिफोर लिखा है, तो 30th सितंबर आप मान के चलिए। सो दीज आर द 2 अपडेट्स जो आपको पता होने चाहिए। 8 अगस्त को रिजल्ट आने वाला है, 30th सितंबर को एनुअल जर्नल मीटिंग होने वाली है। सो मैंने आपको दोनों के दोनों ऑफिशियल अनाउंसमेंट बता दी, और फंडामेंटल्स मैंने आपको शो भी कर दिए हैं कि वीक हैं, तो आपको थोड़ा अवॉइड करके चलना है। टारगेट्स, तो फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिए यहाँ से 4.50 का अपर साइड में, एंड लोअर साइड में आप लेके चलिए 4.35 का। फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग शेयर नीचे जाएगा, तो मैं तो प्रायोरिटी में आपको यही बोलूँगी कि 4.35 जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच।